हाय गाइस, वेलकम बैक टू शिकास फैमिली चैनल। सो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसी हालत में दीदी को नहीं जाना चाहिए, बट हम लोग डॉक्टर के पास भी जाएंगे। वहीं से रिटर्न होते हुए डॉक्टर के साथ साथ हम लोग जाएंगे कहाँ पे, सब्जी ले लेंगे, क्योंकि अगर मिल गई तो मैंने एक वो रख लिया, मैं अंधेरे में खड़ी हूँ, मेरा फेस ऐसा नज़र आ रहा है, तो अगर मुझे सब्ज़ी मिल जाती है तो मैं सब्ज़ी भी ले लूँगी। और मैंने मास्क भी लगाया हुआ है, चुन्नी से भी अपने फेस को अच्छे से कवर कर लिया है, और फाइल मैंने ले ली है क्योंकि मुझे आज डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, मेरा इंजेक्शन लगना था तो उसके लिए। और सुबह का टाइम हो रहा है 5:30, और हम लोग 5:30 बजे निकल रहे हैं। 5:30 बजे निकलने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि मैम ने हमें 6 बजे बुलाया है, तो थोड़ा हमारे घर से दूर भी है उनका घर, और अगर हो सकता है थोड़ा बहुत इशू जाता है रास्ते में, अगर हमें कोई रोकता है या कुछ करता है तो वहाँ पे हमें टाइम लग सकता है, तो हम अपने टाइम से पहले पहुँचना चाहते हैं ताकि हमारा ये वाला जो काम है, जो इंजेक्शन है, वो हो जाए फटाफट से। मुझे टिटनेस का इंजेक्शन लगना है, तो चलिए फटाफट से हम चलते हैं। और आई नो कि नहीं निकलना चाहिए, बट मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। सो गाइज, हम लोग घर से निकल चुके हैं, सानू दीदी की ये स्कूटी है, इसी से हम लोग जा रहे हैं। और सड़क पे अभी सुबह सुबह का टाइम है तो 2-4 लोग निकलते हैं, क्योंकि दूध वगैरह लेने लोग निकलते हैं सुबह सुबह टाइम में। 1-2 घंटे लोगों को मिल जाता है, जैसे दूध वगैरह ले लो आप, सब्ज़ी वगैरह ले लो अगर आपको मिल जाए तो, बाकी टाइम तो पूरे टाइम आपको चिड़िया भी नहीं नज़र आएगी। तो ऐसा माहौल है अभी इंदौर का, और बहुत ही ख़राब माहौल है। सो चलिए, मैं आकर आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइस, सब्जियां तो मैं ले आई हूँ, और सब्जियां मैं वैसे जो भी सब्जी लगनी थी वो सारी तो नहीं मिली, लेकिन जितनी भी मिली वो भी ले आई हूँ। मेरा जो इंजेक्शन है वो भी लग गया, और आज मैं पूरी रात सोई भी नहीं हूँ इस चक्कर में कि मुझे सुबह इंजेक्शन लगवाने जाना है। टाइम जो भी हो रहा है वो हो रहा है 7 बज रहे हैं, क्योंकि हमारा जो इंजेक्शन का जो इंजेक्शन जब मुझे लगा था वो 6:30 समथिंग मिले मुझे लगा। उसके बाद फिर हम लोगों ने सब्जियां ढूंढी कि कहाँ मिलेंगी सब्जियां रास्तों में, मतलब जो कॉलोनियां होती हैं उनके अंदर मिल रही हैं, बट वहाँ पर भी सुन रहे हैं कि लाठीचार्ज हो गया, इसलिए कोई सब्जी नहीं मिल रही थी। फिर हम लोग एक गोदाम गए, गोदाम का एड्रेस बताया, और गोदाम मतलब हमारे घर से तो बहुत ही दूर था, तो गोदाम गए, वहाँ से सब्जियाँ लेके आए गोदाम से। तो अभी सारी सब्जियाँ हमने बाहर रखी हुई हैं, सबको हम लोग नमक के पानी से एक बार वॉश करेंगे, फिर उनको पूरा धूप में रखेंगे, 1-2 घंटे की धूप दिखाएंगे, उसके बाद हम फ्रिज में डालेंगे। तो पानी अगर आप लोग भी सब्ज़ी वगैरह ला रहे हो तो आप प्लीज़ उसे नमक के पानी से ही धोएं। उसके बाद में यहाँ पे दूध दही मिल गया है, और दूध दही में भी रेयरली मिल रहा है, यहाँ पे जिसको पास मिला है उनको मिल रहा है, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उसका भी टाइमिंग है, तो सुबह सुबह था ही तो सब लेके आ गए हैं जो भी नीड थी घर की, जैसे कि ये दूध ले, ये दही है, यहाँ पे ये थोड़ा सा पनीर है, पनीर नहीं मिला, सब्जियाँ नहीं मिल रही हैं लोगों को तो पनीर खरीद खरीद के लेके जाते हैं, पनीर मिलता ही नहीं है। 2 लीटर मैं यहाँ पे दूध लाई हूँ, इसको मैंने ऊपर से वॉश कर लिया कॉली को, और अब मैं इसको उबालने के लिए रख दूँगी। अब ये समझ लीजिए कि दूध हमारे यहाँ जितना आ चुका है, इस दूध में हम अपना 3 दिन का गुजारा कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं, ज़्यादा टाइम वेस्ट मतलब ज़्यादा नहीं जाते हैं नीचे, 2-3 दिन में 1-2 दिन जाते हैं। वो तो मेरा इंजेक्शन लगना था तो गए, तो फिर मैंने कहा यार सब्जी अभी नहीं है तो सब्जियाँ ले लो, सब्जियाँ काफ़ी महंगी मिल रही हैं, लेकिन ठीक है, 50 रुपये किलो थी प्याज, 50 रुपये किलो, सोचो गोदाम भी गए थे, 50 रुपये किलो प्याज आलू मिल रहा है, 60-70 रुपये किलो टमाटर मिल रहा है, तो ऐसा है। धनिया पत्ती, हरी मिर्ची तो काफ़ी महंगी है यार, मुझे तो पता ही नहीं था कितनी महंगी हो गई है हरी मिर्ची, काफ़ी महंगी हो गई है। पूरा इंदौर लॉकडाउन हो गया है, बहुत बुरा लग रहा है, आप मेरे फेस पे देख सकते हैं, नींद भी है, सोई नहीं हूँ मैं, मुझे नींद नहीं आती अभी, मुझे पता नहीं क्यों एक टेंशन लगी रहती है कि सब कैसे होगा मैनेज। ये प्रेगनेंसी का जो मेरा एक्सपीरियंस रहेगा ना, ये अच्छा नहीं रहेगा, पता नहीं क्यों। एंड And...
ज्यादा सोचती नहीं हूँ, सोचूंगी तो बुरा लगेगा। सो गाइस मैं बनाने लगी हूँ चाय, और चाय बनाने के बाद मैं क्या करूँगी, चाय पीऊँगी। और मैं मुश्किल से 2 घंटे सो लेती हूँ, और 2 घंटे सोने के बाद मैं आप लोगों को नहा धो के मिलूँगी, क्योंकि उन 2 घंटे में मैंने मतलब जो भी चाय के बाद मैंने सब्जी अब्जी थी वो धो के धूप में रख दी थी, फिर मैं जाके सो गई थी, और उसके बाद मैं सीधे नहाई हूँ। और दिन में नींद नहीं आती है, क्या करें, लेकिन पूरी रात एक टेंशन था दिमाग में कि टीटी का इंजेक्शन लगना है, और क्योंकि यहाँ पे माहौल डे बाय डे बिगड़ ही रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हैं अगर जाना है बाहर तो हम पहले उससे फ्री हो जाएं, तो वो भी, और मैडम ने भी अपॉइंटमेंट बड़ी मुश्किल में दी है, क्योंकि आपको सभी को पता है। और ये जो मेरा टीटी का इंजेक्शन है, आप लोग पूछ रहे होंगे किस मंथ का लग रहा है, तो मेरा 3rd मंथ का अभी तक टीटी का इंजेक्शन नहीं लगा था, जस्ट बिकॉज मुझे पेन रहता था उसके चक्कर में। तो अभी मेरा 5 मंथ रनिंग है, तो इसके चक्कर में उन्होंने बोला कि 5 मंथ का भी आपको अभी टीटी का इंजेक्शन लगना है, तो पहले आप 3 मंथ वाला लगवा लो, फिर उसके कुछ दिन बाद आप 5 मंथ वाला लगवाना। तो इसीलिए मैं गई थी, और ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं बता पाई थी, तो मैंने सोचा चलो वॉइस ओवर करके बता देती हूँ। सो अभी हम लोग चाय पियेंगे, और मैं नींद में थी, मतलब मेरी आंखें बंद हो रही थी, क्योंकि टेंशन फ्री हो गई थी, सब्जी भी घर में आ गई थी, दूध भी आ गया था, मेरा इंजेक्शन भी लग गया था। तो एक गृहिणी के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है, हम एक औरत हैं, और हमारे घर में अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं तो हमें घबराहट होती है, सिर्फ मैं नहीं, हर एक औरत को होती होगी, मैं अकेली नहीं हूँ। तो इसीलिए थोड़ी सी चाय मेरी गिर गई, तो मैंने उसी कपड़े से उसको पोंछ दिया है, और यहाँ पे थोड़ा लगा दिया है, क्योंकि मैंने सोचा मैं नाश्ता बनाऊंगी, बट फिर मैंने नहीं बनाया था। चाय पीने के तुरंत बाद मैंने सब्जी वगैरह धोई, काफ़ी टाइम लग गया सब्जी धोने में, फिर उसके बाद मैंने हैंड वॉश वगैरह किया अच्छे से, और हाथ मुँह धोए तो थोड़ा सा ठंडक सी मिल गई, तो मैं सो गई थी। तो चलिए आप लोग भी चाय इन्जॉय कीजिए। जस्ट मैं अभी नहा के आई हूँ और रेडी हो रही थी, रेडी मींस मैं मेरा स्किन केयर कर रही थी, बट मुझे याद आया कि आप लोगों में से मुझे कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि दी आप बताना कि आप अपनी स्किन केयर में अभी क्या कर रहे हो, क्योंकि आपकी स्किन काफ़ी अच्छी दिख रही है। तो वैसे तो आप सभी को पता है कि रात के टाइम पर मैं DIY फेस वॉश यूज़ करती हूँ, बट सुबह में या फिर दोपहर में मैं एक बार ये फेस वॉश यूज़ करती हूँ, जो कि है बायोटिक का। और ये जो बायोटिक का फेस वॉश Under 100 rupees की है, और सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसकी यही लगती है, क्योंकि इसमें हनी, आप सभी को पता है ड्राई स्किन वालों के लिए हनी एक वरदान है। सो फर्स्ट मैं फेस वॉश अभी ये वाला करके आई हूँ, सेकंड मैं अपने फेस पे यूज़ करती हूँ टोनर्स, वो है गुड वाइब्स का। एंड जो भी प्रोडक्ट्स मैं बता रही हूँ अभी तक अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि डिस्पैच नहीं हो रहा था, लेकिन आप purple.com से आप शॉपिंग कर सकते हो, आपकी जो भी एसेंशियल वाली चीज़ें हैं जैसे स्किन केयर की चीज़ें हैं वो आप परचेस कर सकते हो। तो अगर आप चाहो तो आप इन्हें परचेस कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी। सो यहाँ पे मैंने टोनर यूज़ किया है, जो कि गुड वाइब्स का आर्गन हाइड्रेटिंग फेस टोनर है। उसके बाद मैं यहाँ पे सीरम यूज कर रही हूँ, जो कि है गुड वाइब्स प्लस का टी ट्री प्लस मलबेरी ऑयल कंट्रोल प्लस स्किन ग्लो सीरम। सो इससे आपकी स्किन पे एक अच्छा सा ग्लो आता है, साथ ही साथ ये आपकी स्किन पे ऑयली बिल्कुल भी नहीं रहता है, क्योंकि गर्मियों में हर किसी की एक ही समस्या होती है कि हमारी स्किन ना एकदम वैसी नहीं लगनी चाहिए, ऑयली, क्योंकि वैसे भी गर्मियों में कितना अजीब लगता है फेस, आप सभी को पता है गर्मी वैसी लगती है, फिर अगर हम ऑयली चीज़ अपने फेस पे लगाएंगे तो वो ऑब्वियसली थोड़ी और ज़्यादा गर्मी आपको लगेगी। सो मैंने यहाँ पे सीरम लगा लिया है। सीरम के बाद हम बात करते हैं एक अच्छी सी सनस्क्रीन के बारे में। आप सभी को पता है कितनी ज़्यादा धूप पड़ रही है, सो इस टाइम पे मैं सनस्क्रीन हमेशा से, जो आप लोगों ने पहले भी देखी होगी, मैं गुड वाइब्स की सनस्क्रीन लगाती हूँ। और ये सनस्क्रीन और एक और सनस्क्रीन है, जो कि है वाव की सनस्क्रीन, जो मिस्ट टाइप की है, तो वो भी मैं लगा लेती हूँ। बट फिलहाल जब मैं स्किन केयर करती हूँ अपना, तब मैं क्रीम बेस्ड लगाती हूँ, क्योंकि ये आपकी स्किन पे एक अच्छा सा ग्लो तो प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ मॉइस्चराइज़र का भी काम करती है और सनस्क्रीन का काम करती है। इसमें है SPF 30 PA++++। आप सभी को पता है कि SPF 30 घर के लिए एकदम परफेक्ट है।
सो गाइज ये देख सकते हैं मैंने सनस्क्रीन लगा ली है। ये सनस्क्रीन बिल्कुल भी आपकी स्किन को ड्राई नहीं करती है, साथ ही साथ आपकी स्किन पे एक अच्छा सा ग्लो आता है एंड आपकी स्किन को ऑयली नहीं करती है। तो मुझे ये सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड ये पिंपल देख रहे हो, ये आ गया है। ये बिन बिलाए मेहमान है। उसके बाद मैं लिप बाम के लिए यहाँ पे ये पर्पल की लिप बाम लगा रही हूँ। ये चाइल्डहुड लिप बाम है, आप सभी को पता है मैं इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ और ये मेरी फिनिश्ड होने पर आ चुकी है। ये लॉन्ग टाइम तक आपके लिप्स को मॉइस्चराइज करती है। उसके बाद मैं अपना काजल और लिपस्टिक लगा के आपको मिलती हूँ। गाइज ये देखिए मैंने लिपस्टिक लगा ली है और काजल भी लगा लिया है, अच्छे से मांग भर ली है। बिंदी मेरे पास नहीं मिल रही है मुझे, तो मुझे बिंदी भी लगानी थी क्योंकि मुझे एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि अब बिंदी में काफ़ी अच्छे लगते हो तो बिंदी लगाना। ये जो प्रोडक्ट्स हैं उन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी, अगर आप लोग चाहें तो परचेज कर सकते हैं। और क्योंकि ये सारी असेंशियल चीज़ें हैं जैसे कि जो डेली बेसिस पे हर किसी को ज़रूरत पड़ती है। एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि जब भी आपके पास पार्सल आए, मेरे पास एक पार्सल कल रिसीव हुआ था मेरे पास एक पार्सल, तो मैंने पता है क्या किया था उसको, अच्छे से पहले तो 12 घंटे मैंने उसको घर के अंदर नहीं लिया था, अपने वहीं पे रखा रहने दिया था गेट के जस्ट बाहर। और उसके बाद 12 घंटे बाद जब मैंने उसे घर के अंदर लिया तो प्रॉपर सैनिटाइज़ किया था, उसके बाद ही मैंने उसके प्रोडक्ट्स निकाले हुए थे। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान दीजिए क्योंकि बाहर से कोई भी आई हुई चीज़ को जैसे हम सैनिटाइज़ करते हैं उसी तरीके से आपको पार्सल को आपको सैनिटाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धीरे धीरे सारी चीज़ें पटरी पे आ रही हैं और हम लोगों ने अभी ग्रॉसरी भी मंगाई हुई थी ऑनलाइन आज से 4 दिन पहले, लेकिन अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई है ग्रॉसरी और हमें इस बात का दुख भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारे पास अब थोड़ा थोड़ा ही सामान बचा हुआ है और अगर अभी नहीं रिसीव हुई तो हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी होने वाली है। अब देखते हैं कब तक रिसीव नहीं होती है। और चलिए फटाफट से अब हम बनाते हैं खाना, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। गाइज मैंने सारी सब्जियाँ धुल के सुखा के और यहाँ पे रख दी हैं। यहाँ पे ये मलाई रखी हुई है जिसको आज हमें बनाना है, साथ ही यहाँ पे कुछ मिर्ची रखी है, अदरक रखा हुआ, टमाटर, वाटरमेलन, यहाँ पे अगेन हरी मिर्ची है, तुरई की सब्ज़ी है, गोभी की सब्ज़ी है और वाटरमेलन अगेन, थोड़ी सी धनिया पत्ती रखी हुई है और यहाँ पे ये देख सकते हैं भिंडी है, गाजर है, टमाटोज़ हैं और ये जो है ना ये गवार फली है। इतनी सब्ज़ी और आप नीचे से देखिए पत्ता गोभी भी आपको नज़र आएगा। इतनी सब्ज़ी हो गई, साथ ही यहाँ पे ये देख सकते हैं बैगन है थोड़े से और ये बटर रखा हुआ है काफ़ी टाइम पुराना और जब मेरा डॉलर था। यहाँ पे कुछ बेसन और रियल का जूस रखा हुआ है, हम लोग नहीं पीते हैं और पहले कुछ दो खाली हो चुके हैं। और सॉस है नीचे, पानी की बॉटल है, अमूल का घी है। ये मेरा फ्रिज का जो है लुक है। यहाँ पे मिशिका की दवाई वगैरह रखी हुई है। गाइज मैंने दाल चावल तो ऑलरेडी बना लिए हैं जो मैं बाद में आप लोगों को दिखा भी दूंगी और यहाँ पे मैं बैगन की सब्ज़ी बना रही हूँ, आलू बैगन की सब्ज़ी। कुछ बैगन थे जो मेरे पुराने रखे हुए थे तो मैंने कहा चलो यार आज इनको ना निकाल देते हैं क्योंकि वो भी काफ़ी अलग सा कलर हो गया उनका और सूख से गए थे। अब क्योंकि ज़्यादा दिन तक सब्ज़ियाँ वैसे ऑलरेडी ही बासी सब्ज़ियाँ आ रही हैं, काफ़ी ख़राब सब्ज़ियाँ आ रही हैं तो इसीलिए ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है। और अभी तो हम हर चीज़ में आलू का इसलिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि आलू ईज़िली मिल जा रहा है, लेकिन बाकी जैसे हरी सब्जियां तो नहीं मिल रही हैं आसानी से। यहाँ पे मैंने सब्जी की रेसिपी वैसे तो शेयर नहीं की लेकिन सिंपल सी जैसे मैंने बनाई हल्की सी दिखा ज़रूर दी। नमक डाला हुआ है, इसमें मसाले वसाले मैं लास्ट में ऐड करूँगी और साथ ही साथ मैं यहाँ पे अपनी रोटियाँ सेक लूँगी। और क्योंकि दाल चावल मैंने बनाई लिए हैं तो 6 से 7 रोटियाँ मुझे सेकनी, उससे ज़्यादा मैं रोटी नहीं सेकूँगी। और अभी फ़िलहाल मैं ऐसा ही खाना हमारे यहाँ पे सिंपल सा खा रहे हैं, पहले भी खाते थे, दाल चावल दिन में चाहिए ही चाहिए होता है, रात में ज़्यादा ज़रूरी रहता है सब्ज़ी रोटी। लेकिन अभी हम कई बार ऐसा भी हो जाता है दोनों टाइम का खाना एक टाइम भी बना लेते हैं क्योंकि इस टाइम पर परेशानी भी ऐसी है और टाइम का भी सबसे बड़ी बात कि काम बहुत ज़्यादा पड़ जा रहे हैं, मिशिका को बहुत ज़्यादा संभालना पड़ रहा है। तो ऐसी चीज़ें जब होती हैं घर में तो ये चीज़ बिल्कुल बेसिक सी बात है कि हाँ हो जाती है। तो चलिए ये देखिए मैंने रोटियां ऐसे ही सेंक लेनी है, क्या दिखाऊं मैं, चलिए मैं बता देती हूँ फटाफट दाल चावल मैंने कहाँ बनाए हैं। ये देख सकती हैं ये रखी है दाल और बाजू में रखे हुए हैं कुकर में चावल। सिंपल से दाल चावल सब्जी रोटी है। गाइज अभी जस्ट मैं लेटी हुई हूँ और खाना पीना हो गया है हमारा, मिशिका ने भी खाना
खाना खा लिया, मैंने भी खाना खा लिया है, बाबू ने भी, सानू दीदी ने भी, मैं ऐसे बता क्यों रही हूँ, सब एक साथ ही बैठ के खाना खा लेते हैं। बेस्ट थिंग हमारे घर में यही है कि बच्चा यानी कि निशिका भी साथ में बैठ के ही खाना खाती है। और जब ऐसा होता है ना तो माँ बाप थोड़ा कम परेशान होते हैं, क्योंकि बच्चे बार बार खाना मांगते हैं, लेकिन अगर वो साथ में बैठ के खाना खाते तो हम देर तक खाते रहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके अपना पेट इतने अच्छे से भर लेते हैं। अब ये समझ लीजिए कि मैं शाम की जब चाय बनाऊंगी तो चाय के साथ जब मैं कुछ नाश्ता बनाऊंगी तो वो खा लेगी, वरना वो ऐसे ही रहती है। सो अभी तो ऐसा ही आज का व्लॉग है, एंड आई नो कि आपको एक दिन छोड़ के एक दिन व्लॉग मिल रहे हैं, आप लोग परेशान हो रहे हो। चैलेंज वीडियो मैंने हस्बैंड के साथ एक दो कर लिए हैं, जैसे ही मैं एडिट करती हूँ उसको मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आप सभी को पता है बाबू फनी भी हैं, साए भी हैं, दोनों चीज़ें हैं, तो मुझे एडिट करने में काफ़ी परेशानी होती है। तो मैं जैसे ही उनकी एडिटिंग करती हूँ, व्लॉग मुझे ज़्यादा एडिट नहीं करना होता है, जैसा मैं बनाती हूँ एग्जैक्ट वैसा ही डाल देती हूँ, थोड़ी बहुत एडिटिंग करती हूँ, अगर कुकिंग वगैरह होती तो ज़्यादा एडिटिंग करती हूँ। सो आज का वीडियो ज़्यादातर चिट चैट ही रहा, और आई होप गाइस कि आप लोग समझे होंगे कि मैं बाहर क्यों गई हूँ। मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी, क्योंकि हेल्थ मोर इम्पॉर्टेंट है हर एक चीज़ से। अगर मैं स्वस्थ घर में, अगर घर में हूँ किस लिए हूँ, ताकि स्वस्थ रहूँ, लेकिन अगर घर में भी मैं स्वस्थ नहीं हूँ तो मुझे दिखाना ज़्यादा ज़रूरी था। अभी तक मेरा चल रहा था, अगर मुझे पेन भी हो रहा था तो मैंने 10 दिन पेन बर्दाश्त किया, लेकिन मैं घर से बाहर नहीं निकली, डॉक्टर के पास नहीं गई। बट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि मुझे टीटी का इंजेक्शन लगवाना था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वो। और आप, आई होप कि आप लोग सारे ही लोग मेरी इस बात को समझेंगे, और आप लोग किस टाइप के ब्लॉग देखना चाहते हैं बताइएगा। कुछ रेसिपीज़ हैं जो मेरे सब्सक्राइबर मुझसे मांग रहे हैं कि दी आप रेसिपी बनाइए, ये वाली रेसिपी बनाइए, वो वाली, तो आप सभी को पता है कि अभी घर में चीज़ें अवेलेबल तो हैं नहीं, और अब अगर हम बाहर से भी चीज़ें मंगा रहे हैं ना तो पता है क्या प्रॉब्लम हो रही है, स्टॉक में नहीं है। तो प्रॉब्लम यही है कि चीज़ें हैं ही नहीं, तो मैं किस से क्या बना के दिखाऊँ। मेरी सब्सक्राइबर ने बोला है गट्टे की सब्ज़ी, उसके लिए जो चीज़ें लगती हैं वो मेरे घर में अवेलेबल नहीं है कुछ चीज़ें, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगी, क्योंकि वो मेरी एकदम मुझे रोज़ रोज़ कमेंट कर रही है, मुझे भी किसी को इग्नोर करना अच्छा नहीं लगता। सो चलिए गाइज, इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक लिए बाय गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, स्टे होम, वी सेफ, बाय।